सर 21वीं राष्ट्रकता शिविर का आयोजन प्रासला में प्रथम दिन क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमको पैराट्रूपिंग जब की जाती है, वो हमको सिखाया जाता है कि अगर पैराशूट से जंप करते हुए 3000 फुट से कई बार हादसा हो जाता है, एक कई बार ऐसा हुआ है कि पैराशूट नहीं खुला, 3000 फुट गिर के वो मर गया। जैसे ही कभी ऐसा हादसा होता है, उसी वक्त वो जो पूरी टोली होती है उसे दोबारा जहाज़ में बिठाया जाता है और फिर जंप कराया जाता है कि वो हिचके ना, वो हिचकिचाए ना। यहाँ बहुत सुंदर काम हो रहा है, बहुत ही आला दर्जे का काम हो रहा है, देशभक्ति के लिए एक यज्ञ हो रहा है। सारे के सारे बच्चे लद्दाख से, तमिलनाडु से, आसाम से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से बच्चे इकट्ठे आए, यहाँ रहें 8-10 दिन, साथ एक शिविर में, टेंट में रहें, इकट्ठे मिलजुल कर वहाँ पे काम करें, खेलें, लेक्चर सुने और कुछ ज्ञान सीख के जाएं और उनके अंदर नेटवर्किंग हो, ताकि इस देश में एकता की भावना सुदृढ़ हो, सशक्त हो, और हम जो है वो इकट्ठे होंगे तो इस देश की शक्ति जगेगी। सबसे युवा पीढ़ी है आजकल पूरे दुनिया में, भारतवर्ष में 50% भारतीय 25 वर्ष की आयु के नीचे हैं। ये जो शक्ति है, युवा शक्ति, इसका देश को फायदा तभी होगा जब ये संगठित होगी, इकट्ठी होगी। और यहाँ जो होता है इस कथा शिविर में, यही प्रयास रहता है कि देश भर के बच्चों को लाएं, इकट्ठा करें, एक्सपोज देम टू द बेस्ट माइंड, द रिचेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। अभी आपने DRDO के चीफ को सुना, जो कि पूरा हमारा जो डिफेंस रिसर्च है उसको लीड कर रहे हैं, बड़े बड़े फील्ड्स के जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब आज यहाँ पे थे, लॉ की फील्ड, डिफेंस की फील्ड, आपकी जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड, वो जो आर्ट वर्ल्ड के आपके मुकेश खन्ना साहब यहाँ पे हैं, ल्यूमिनरीज चुन चुन कर स्वामी जी लाते हैं और उनकी सिलेक्शन को दाद देना पड़ेगा। द बेस्ट माइंड्स ऑफ दिस कंट्री वो यहाँ लाते हैं, गुजरात के इस कोने में, जो गाँव है छोटा सा प्रांसला, कितना दूर है आपके बड़े एयरपोर्ट से, और ये तब भी यहाँ पे लोग, दुनिया आती है। DRDO के चीफ आते हैं, नेवी से वाइस एडमिरल आ रहे हैं, हमारे आर्मी के जनरल्स आ रहे हैं सर्विंग। अभी आप कल देखेंगे यहाँ पे लग जाएगा एक आर्मी की एग्जीबिशन, नेवी की एग्जीबिशन, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले, ताकि वो कुछ करें, कुछ वो करके दिखाएँ। और इसके लिए यूनिटी इज़ द फर्स्ट एसेंशियल। भारतवर्ष में टैलेंट बहुत है, प्रॉब्लम है एकता की। अगर आप देखें स्पोर्ट्स और गेम्स में, एशियाड देखें, कॉमनवेल्थ गेम देखें, रेसलिंग का मेडल किसको मिलता है? भारतीय। बॉक्सिंग भारतीय, आर्चरी भारतीय, वेटलिफ्टिंग भारतीय, बैडमिंटन भारतीय, हॉर्स राइडिंग भारतीय, तीरंदाजी भारतीय, ये सब इंडिविजुअल गेम्स हैं। इंडिविजुअल हम दुनिया को सिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ कलेक्टिव गेम्स हैं, जहाँ कंबाइंड गेम्स हैं, तो वहाँ हम मार खा जाते हैं, क्योंकि हम आपस में तालमेल नहीं कर सकते, हम मेल जुल के काम नहीं कर सकते, हमारी ईगोज बहुत है, हमारे में फूट बहुत है, हम जो है कोई यहाँ पे अपनी जात पात के नाम, कोई धर्म के नाम, कोई भाषा के नाम, कोई किसी वेशभूषा के नाम, अलग 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 अपने आप को करना पड़ता है। विविधता में एकता लाना ज़रूरी है, उसके लिए ऐसे यज्ञ, ऐसे हवन अनिवार्य है। नहीं करेंगे तो ये देश फिर टूट जाएगा, जैसे कितनी बार टूटा है, लेकिन अब समय आया है इसको। जैसे मुट्ठी तभी बनती है जब आप हाथ ऐसे करें, किसी के मुंह पे ऐसे हाथ मारेंगे तो उंगलियां टूट जाएंगी आपकी, ऐसे मारेंगे तो दांत टूट जाएंगे उसके। तो ये अब इकट्ठा होने का ये एक तरीका है, इसीलिए हमारी स्वामी जी से विनती थी कि बिल्कुल विचलित ना हो। हमने उनको रोते देखा, आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे, हमने कहा स्वामी जी बिल्कुल विचलित ना हो। जैसे हमारी फौज में होता है, अगर कोई अफसोसनाक कोई हादसा हुआ, विचलित नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, दोबारा जंप मारेंगे जाके उसी वक्त दोबारा, ताकि 3000 फुट से गिर के आदमी के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर वो जाते हैं वापस की हिम्मत नहीं हारेंगे। ये हमने हिम्मत नहीं हारी, स्वामी जी ने फिर देखिए इतना जोश के साथ यहाँ इकट्ठे किए, और ये गुजरात में ही हो सकता है, जहाँ पे लोग इतने उदार हृदय हैं कि वो सब
आके पूरा खर्चा बच्चों का और इतना बच्चों को खिला के भेजते, हम मोटे होके जाते इधर से हैं, यहाँ का खालिस मक्खन खा के गुजरात का, यहाँ से बच्चे हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होके जाएंगे, उनको पीटी गेम सब कुछ दिखाया जाएगा और ये सब किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है देश की एकता का, ये कभी रोकना नहीं चाहिए, कभी इसमें कोई भी किसी किस्म का वो बोलते हैं ना विघ्न नहीं आना चाहिए। विघ्न आया भी तो उसके ऊपर चढ़ेंगे हम दोबारा तिबारा चौबारा, लेकिन ये प्रथा चलती रहेगी, कथा शिविर चलता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू सर। भारत माता की।